अनिराज को करनमन करो महान यह आत्मज्ञान की प्राप्ति मंगलमय सुख सा मंगलमय सुख चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व में हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती
और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही प्रज्वलित ज्ञान दीपक स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है। इस पृथ्वी पर ही वह रहता है। इस पृथ्वी पर रहकर भी बात कुछ बदल गई। पहले भी इस पृथ्वी पर रहता था, परंतु इस पृथ्वी पर मालिक होकर रहता था। जैसे ही ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ कि इस पृथ्वी पर मेहमान होकर रहता है, और जब भी मैं तुमसे कहूं इस पृथ्वी पर भारत अमेरिका इन देशों के बारे में मत सोचना, प्रज्वलित ज्ञान दीपक इस पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी पर रहता है अर्थात मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर रहता है अर्थात शरीर में रहता है। इस शरीर को ही मैं पृथ्वी कहता हूं। पृथ्वी का मेहमान हुआ, इस शरीर का मेहमान हुआ। जिसने भी चैतन्य तत्व को जाना पहचाना, उनकी दशा अत्यंत निराली है। आत्मा के निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी इस शरीर में है, विश्राम नहीं करता, सफर जारी है, यात्रा जारी है, वह स्वयं मुसाफिर है। प्रति समय आत्मा की यात्रा हो रही है। इस शरीर से अलविदा होने की तैयारी प्रति समय हो रही है। अनंत बार यह अवसर तुम्हारे सामने आया, मगर तुम इतने वासना में अंधे, भोगों में अंधे, मिथ्यात्व से अंधे, ये तुम्हारी समझ में ही नहीं आया, क्योंकि भाषा का फर्क पड़ गया। ज्ञानी कुछ और भाषा में बात करता है और तुम्हें वह भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए
क्योंकि ज्ञानी की जो भाषा है स्यादवाद मई ज्ञानी की वाणी है, और तुम तो एकांत से भरे। एकांत का जहां जहर हो वहां अनेकांत का अमृत कैसे समझ में आ सकता है। इसलिए तुम ज्ञानियों के पास में जाकर बैठते भी हो, तुम वही होते हो जहां पहले थे। कोई व्यक्ति जलते हुए दिए से बहुत दूर रहे तो भी अंधेरा ही पाता है, और कोई व्यक्ति जलते हुए दिए के नीचे बैठ जाए तो भी अंधेरा ही पाता है। आज तक तुमने यही किया। पहले तुम सदगुरु से बहुत दूर बैठते थे, और अब तुम सदगुरु के चरणों में ही बैठते हो, और सदगुरु के चरणों में बैठने वाले को अंधेरे के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वह तुम्हें पुकारता है, जरा ऊपर आओ, उठो, ज्योत से ज्योत मिला, ऐसी ज्योत से ज्योत जले, थोड़े उठो। तो तुमने स्वयं को इतना हीन मान लिया, शरीर के साथ इतना तन्मय मान लिया, ये तन ही मैं हूं, उस मैं स्वयं को मान लिया। अनादि से ये ऐसा घोर अपराध, अक्षम्य अपराध, कोई प्रतिक्रमण नहीं चलता यहां। इस अपराध का फल तो भोगना ही होता है। स्वयं को कारागृह में बंद माना कि अपराध का परिणाम भोगना ही है, फिर कारागृह में बंद रहना ही है, फिर यह कारागृह तो तुम्हें स्वर्ग सा सुंदर लगता है, फिर तुम कैसे छूटना चाहो। क्योंकि जिन्हें तुम ऐसा मानकर बैठे हो कि यही मैं हूं, इन परमाणुओं से फिर छूटने को तुम कैसे चाहो। यह चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति इतनी सहज है, सुलभ है उनके लिए जिन्हें अंतर में यह एहसास हुआ अनित्यता की असारता के बोध के बल पर नित्य की यात्रा सहज ही प्रारंभ होती है, प्रारंभ ही नहीं पूर्णता को प्राप्त होती है। यह यात्रा पूर्णता तक ले जाने वाली है। यह मार्ग ऐसा है कि मंजिल तक पहुंचा करके ही रहता है। ये मुक्ति का मार्ग, ये चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति पूर्णता की ओर ले जाने वाली है। पूरी तरह से जो इतना थका, जिसने देख लिया स्वयं को कि अब नहीं, हाथ में माला ले लो, सफेद वस्त्र पहन लो, पैर पर पैर रखो, हाथ पर हाथ धरो, आंखें बंद करो, और तुम ध्यान में डुबकी लगाओगे। तुम ये नहीं करते। जब तुम्हारे घर में आग लगती है, जब घर में आग लगती है तब तुम सफेद वस्त्र पहनते हो क्या? तुम माला हाथ में लेकर घर में से बाहर निकलते हो क्या? तुम मंत्रों का जाप करने के लिए वहां ठहरते हो क्या? तुम भगवान की प्रतिमा के सामने दर्शन करने वहां खड़े होते हो? जैसे ही तुमने देखा कि आग लगी,
तुम निकल गए बाहर। बस ऐसा ही चैतन्य तत्व का अनुभव है, क्योंकि अनुभूति तो इतनी सुलभ है, इतनी सहज है, सहज है, अनुभूति अत्यंत सहज है। जिस समय भी तुम्हें होगी, तुम्हें एहसास होगा कि भूतकाल में जो कुछ भी मैंने निर्विकल्प अनुभूति की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी किया, सब बहाना ही था और कुछ भी नहीं। मैं तुमसे ये कहता हूं, माला करो, जाप करो, पाठ करो, मगर ये सब बहाने ही है और कुछ भी नहीं। ये तो अंतर की अनुभूति जब तुम्हें होगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये सब कुछ भी वहां नहीं, अनुभूति सहज। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के लिए तुम दौड़ो, भागो नहीं। दौड़ने वाले को अनुभूति नहीं होती। धैर्य रखो, धैर्य, जिसमें वो धैर्य है वो अनुभूति को उपलब्ध होता है। आज तक तुमने ये सुना हो कि दौड़ने वाला, भागने वाला जल्दी जल्दी अनुभूति को उपलब्ध होता है, बात झूठी है। और जितनी बात ये झूठी है कि दौड़ने वाला अनुभूति को उपलब्ध होता है, ये बात जितनी झूठी है उतनी ही ये बात झूठी है कि धैर्य रखो, अनुभूति होगी। धैर्य रखने वाला अनुभूति को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि धैर्य में भी कहीं ना कहीं भविष्य की ओर आगे 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 कहीं ना कहीं तुम्हारा ध्यान है। धैर्य रखो, धैर्य किसके लिए? आगे प्राप्त होगा। धैर्य रखो, आगे प्राप्त होगा। धैर्य, धैर्य में भी वो मन की ही गति है, और अनुभूति तो मन से पार होना। मन को दौड़ाओ या मन को धीरे धीरे दौड़ाओ, दौड़ाओ या धीरे धीरे दौड़ाओ, मगर अनुभूति तो वह है जहां मन से पार होना है। वहां जल्दी भी नहीं है और वहां धैर्य भी नहीं है, वहां तो सत्ता स्वरूप से संतुष्टि है, तृप्ति है, वहां तो सन्नाटा है, वहां तो शांति है, वहां तो चैतन्य की अनुभूति आत्मा की पर्याय आत्म द्रव्य के साथ अभेद होकर नृत्य करती है। अभेद, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आत्मा की अनुभूति एक समय भी कदम आगे नहीं बढ़ता। जल्दी दौड़ने वाला, धीरे धीरे चलने वाला, दोनों ही नहीं पहुंचते, क्योंकि ये मन की गति है। और जहां मन है बस वहीं संसार, मन से पार होना। इसलिए तो आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति मन से नहीं होती। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति मन से तो नहीं होती। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति जिस समय होती है, उस समय मन निमित्त भी नहीं होता। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, सहज प्राप्ति, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति जिसने पाई है, उसने ये जाना कि वहां तो परम शांति। मैं चैतन्य तत्व, मैं भगवान आत्मा, जैसे ही तुम्हें ये अनुभव हुआ, फिर मोक्ष, मुनि धर्म, सम्यक दर्शन, वहां की ओर तो ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए तो चौथा गुणस्थान जब प्रकट होता है, चौथा गुणस्थान जब प्रकट होता है, उस दशा को दृष्टि मुक्त कहा। मुक्त
मोक्ष हुआ, दृष्टि में मोक्ष हुआ, मोक्ष अभी प्रकट हुआ ऐसा नहीं। दृष्टि मुक्त हुआ अर्थात जो चैतन्य तत्व कदापि बंधा ही नहीं है, ऐसा जो चैतन्य तत्व जो त्रिकाल मुक्त है, उस मुक्त तत्व की ओर दृष्टि गई कि दृष्टि मुक्त हुआ, वो मोक्ष हुआ। इसलिए ज्ञानी यहां बंधन में दिखता हो मगर वो बंधन में नहीं, उसने मुक्ति को भोग लिया। ऐसे ही चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति अज्ञानी को आज तलक क्यों न हुई, इसी के बारे में आचार्य कुंद कुंद देव ग्रंथाधिराज समय सार 19वीं गाथा में रहस्य उद्घाटन करते हैं। यह गाथा अज्ञानियों की मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी जो इतना तन्मय है, जो इतना भ्रमित हो गया, जब भी उसे कोई पूछे कि तू जानता है मैं कौन हूं, उत्तर देता है महापंडित है, तात्कालिक उत्तर देता है आत्मा हूं, मगर ये आत्मा हूं शुद्धात्मा हूं ये तुम्हारा झूठा नाटक है, क्योंकि तुमने जाना नहीं, तुम नहीं बोलते। जब तुमसे कोई कहता है कि तुम कौन हो, तुम कहते हो मैं आत्मा हूं, ये तुम नहीं बोलते, ये शास्त्र बोलते हैं, तुम्हारे मुंह से शास्त्र बोल रहे हैं, ये तुम नहीं बोलते, ये तुम्हारी पुकार नहीं कि मैं परमात्मा हूं, तुम नहीं बोलते। और हमेशा एक बात याद रखना कि शास्त्रों का जो ज्ञान है वो अज्ञान को ढकता है, अज्ञान को दूर नहीं करता। शास्त्रों के ज्ञान से तुम कितना भी अपने को भ्रमित करो, कोई तुम्हें पूछे तुम जानते हो कि हाँ मैं जानता हूं मैं आत्मा हूं मैं परमात्मा हूं, मगर ये बात तो ऐसी ही है, मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। एक गांव में चोरी हुई, पुलिस खोज कर रही थी चोर की, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, बताओ चोरी किसने की, अच्छे अच्छे ज्योतिष बताने में निष्फल गए। उनके पास भी कोई उत्तर न था। एक शेख चिल्ली जिसने कहा मुझे पता है, मैं बताता हूं चोरी किसने की, पुलिस वाले सब खुश हुए। उसने कहा कि चोरी किसी चोर ने की है। अब ये उत्तर, चोरी किसी चोर ने की, बस ये उत्तर ऐसा ही है। सर्वज्ञ होते हैं कि हाँ सर्वज्ञ होते हैं, मैं जानता हूं कि अच्छा बताओ कौन है सर्वज्ञ, कि सर्व को जानने वाले सर्वज्ञ होते हैं। बस इसी भ्रम में वो रह गया कि मैं सर्वज्ञ को जानता हूं, आत्मा को जानता हूं। क्या आत्मा होता है? होता है, जो जानता देखता है वह आत्मा होता है, मगर वो जानता देखता है वह आत्मा होता है, मगर वो तुम नहीं जानते। वो शब्द है, शब्दों से पार जो अनुभूति,
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, ठहर जाना है, समा जाना है, अभेद हो जाना है, ऐसे डुबकी लगाना है कि फिर वापस कभी लौटे ही नहीं। क्यों लौटे? क्योंकि जो अनादिकाल से पाने के लिए भटक रहा था, बस वह पा लिया। जो खोज हो रही थी वो इसी की तो खोज थी। इसलिए मैं अक्सर साधकों से कहता हूं, तुम धन की खोज करते हो, वह धन की खोज नहीं है, वह परमात्मा की ही खोज है। रुपये की खोज रुपये की खोज नहीं, वह परमात्मा की खोज है। बड़ा सिंहासन तुम्हें चाहिए, वो सिंहासन की खोज नहीं है, वो मोक्ष की ही खोज है। सीधी सी बात है कि तुम धन चाहते हो, धन कैसा चाहिए? कि हमेशा मेरे साथ में रहे, कभी न छूटे। माने अंतर में वो जो खोज तो सच्ची है कि ऐसा कोई धन चाहिए जो कभी न छूटे। भूल तो ये हुई थी, कहीं गलत जगह पर उसने खोज की थी, मगर इच्छा सही थी। जिज्ञासा, पाने की तमन्ना वो तो सच्ची थी कि ऐसा धन चाहिए जो कभी न छूटे। सिर्फ जगह गलत थी, दिशा उल्टी थी। चैतन्य ये परम धन है। सिंहासन चाहिए ऐसा कि जिस सिंहासन से कभी उतरना ही न पड़े। सिंहासन चाहिए, उतरना पड़ा इसलिए क्योंकि वह सिंहासन ऐसा था, अनित्य था। न उतरे तो सिंहासन के साथ में ही कब्र में जाना पड़ता। खोज तो थी कि सदा काल टिक करके रहे, ऐसा आसन चाहिए, जगह गलत चुनी। वह स्थान सिद्धालय है, वह स्थान मुक्ति है कि जहां सदा काल विराजमान होने को मिलेगा। खोज तो ठीक थी, मगर खोज के साधन जो उसने अपनाए वो कहीं गलत थे। और गुरु यही तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, कहता है कि तुम ब्रह्म में हो, तुम्हें जगाता है, तुम्हें ये कहता है कि तुम धार्मिक हो गए हो। पहले तुम पाप के विकल्पों में, अब तुम पुण्य के विकल्पों में, मगर मन से पार नहीं हुए, विकल्पों में ही फंसे हो। विकल्पों से पार नहीं हुए, जो विकल्पों से पार हुआ बस वह धार्मिक है। पहले तुम विकल्पों में उलझते थे, पाप के विकल्पों में, अब तुमने विकल्पों को ऐसा साफ करना चाहा। विकल्प साफ करो, विकल्प को साफ करना ये धर्म नहीं, विकल्प को साफ करना ये अधर्म है। क्योंकि विकल्प से पार होना था और तुमने विकल्पों को साफ करने का प्रयास किया। पहले विकल्प गंदे 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 विकल्प थे, अब तुम्हें साफ विकल्प चाहिए। गंदे विकल्प भोगों को भोगने के विकल्प, स्पर्शन इंद्रिय के, रसन इंद्रिय के, ये पंचेंद्रिय के भोगों को भोगने के विकल्प, ये पाप के विकल्प थे। पाप के विकल्प से तुमने विकल्प को धोना चाहा, विकल्प को धोना चाहा कि पूजा करूं, भक्ति करूं, व्रत करूं, विकल्पों को धोकर के मैं धार्मिक हो जाऊं। मगर विकल्पों को धोकर के कोई धार्मिक होता है? विकल्पों से पार होना धार्मिकता है। विकल्पों को धोकर के कोई धार्मिक नहीं होता, क्योंकि विकल्प तो जहर है। और जहर को धोकर के कोई धार्मिक होता है? जहर को धोया जा सकता है, जहर को साफ किया जा सकता है। और जहर को साफ करो तो क्या होगा? साफ किया हुआ, शुद्ध किया हुआ जहर और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि साफ हुआ। इसलिए तो शुभ जो विकल्प है वो तो और खतरनाक है साफ किए हुए जहर की भांति। इसलिए तो नरक में कम रहा, स्वर्ग में ज्यादा रहा। नरक का काल जितना है उससे दुगुना काल स्वर्ग का है। क्यों? वो साफ किए हुए विकल्प का परिणाम है। कोई तुमसे पूछे
अशुद्ध जहर खाना है या शुद्ध जहर खाना है? तुम कहोगे जहर ही नहीं, भूखा रह लूंगा, जहर नहीं। अनशन कर लूंगा, जहर नहीं। बस हे ज्ञान दीपक, मैं तुमसे उपवास करने को कहता हूं, उपवास करो। पर्युषण महापर्व के पावन दिन है, उपवास करो, मगर जहर का भक्षण मत करो। मगर यह तुम्हें पता तो चले, पहले तुम्हारे ज्ञान में तो तुम ये जानो कि विकल्प मात्र जहर। एक समय का यह विकल्प कि मैं परमात्मा को पालू, बस ये विकल्प, उस विकल्प में भी तुम्हें चैतन्य ऐसी चैतन्य की मस्ती, बस यही मेरा जीवन है अब। चैतन्य 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 है? कैसे भी दशा हो ना, मिट्टी के साथ मिला हुआ ऐसा घी भी हो, मगर घी मिट्टी के साथ मिला हो, घी आग पर रखा हो, घी गर्म हुआ, ये तीनों प्रकार की स्थिति, मिट्टी के साथ मिला हुआ हो, आग पर रखा हो और गर्म हुआ हो, ऐसा घी। दूसरा घी कि जो मिट्टी में नहीं, ऐसी मिट्टी से पार, आग पर नहीं रखा और ठंडा, उस घी को छुआ तो चिकनापन उसमें है। तो जैसा वो घी जो मिट्टी के साथ नहीं, आग के साथ नहीं, उष्ण नहीं, वह घी चिकना है, और ऐसे ही जो घी मिट्टी के साथ है, आग के ऊपर है और गर्म है, वह घी भी चिकना है। उसके चिकनेपने में कोई फर्क नहीं, वो चिकनापन। ऐसे ही सिद्ध परमात्मा हो या संसारी, संसारी जीव, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, ये चैतन्य परमात्मा मिट्टी के साथ है। मिट्टी माने ये शरीर, मिट्टी के साथ है, मिट्टी माने ये नौ कर्म, और द्रव्य कर्म का उदय है, और द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव होते हैं। तो मिट्टी माने शरीर, द्रव्य कर्म माने अग्नि, और भाव कर्म वो जो कहा वो उष्णता, वो तीनों मिट्टी हो, अग्नि हो और उष्णता हो, ऐसे ही शरीर, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। सिद्ध परमात्मा मिट्टी से पार हुए, शरीर नहीं, वहां अग्नि भी नहीं क्योंकि कर्म का उदय नहीं, वहां उष्णता नहीं क्योंकि मोह राग द्वेष के भाव नहीं। ऐसे वितरागी सर्वज्ञ, ऐसे सिद्ध परमात्मा, अशरीरी सिद्ध परमात्मा और संसारी निगोदिया, ऐसा निगोदिया, दोनों के चैतन्य पने में कोई फर्क नहीं, वो जो चिकनापन में कोई फर्क नहीं, ऐसे चैतन्य पने में कोई फर्क नहीं, वो चैतन्य की जो स्पर्शना और वहां मिट्टी नजर में न आना, उष्णता और अग्नि की ओर ध्यान भी न जाना, और चिकनापन जैसे वहां अनुभव में आया, बस इतना ही जोर, ऐसे चैतन्य की अनुभूति होती है।
પાર હોતા હે એસા હે આ તો આવી રીતે આમ આવ્યું છે, સાથે સાથે એમ તેમને દેખાતું હોય તો આ બ્રહ્મા છો તમે, હજી મને ઓળખ્યો નથી ભગવાન, હજી તમે મને ઓળખ્યો નથી, તમે તો હજી ચામડું 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 દેખાય છે ને તમને, હા હું નથી, હજી ઓળખ્યો નથી, અંતરમાં જે ધ્રુવ ચૈતન્ય તત્વ, અભી તો મારે ઘર મેં આગ લગી નહીં, ઇસકે લીએ પરમ કૃપાલુ દેવ શ્રીમદ રાજચંદ્ર છે. જાને કે બાદ મે બડી બડી તસવીર લગતી હૈ, જિંદા કો સૂલી મુર્દે કો ફૂલ સે સજાયા જાતા, જિંદા કો કાન મે કિલે ઠોકે ચલે જાને કે બાદ મે મૂર્તિ બનાઓ પૂજા કરો જીવન પર, ક્યોંકિ જો અપરાધ કિયા અબ કેસે માફ કરે અપને કો, એક હી ઉપાય હૈ જિંદગી ભર ઉનકી તસવીર કે સામને હાથ જોડો, કાશ હમે માફી મિલે, મગર જબ યોગ મિલતા હૈ કોઈ વિરલા સમજ પાતા હૈ, બસ ઉન વિરલો કો હી મે જ્ઞાન દીપક કહેતા હું, હે જ્ઞાન દીપક પત્ની ભી યાદ નહીં આતી, બચ્ચે ભી યાદ નહીં આતે, ઘર સે બહાર નિકલ જાતે, આગ લગી પૂરી તરહ સે ઇતની થકાન લગી કે વો નિકલ જાતા, ઓર યે કોઈ તુમે દિખા નહીં સકતા, તુમે સ્વયં કો દેખના હોગા, યે પુરુષાર્થ તુમે સ્વયં કો કરના હોગા, મેં તો જાને સે પહેલે સિર્ફ ઇતની પુકાર તુમસે કરુંગા, ઓર જૈસા મેને કહા અબ તો ઓર સમય કમ, યે જિતની ભી શિબિર તુમ્હારે પાસ પહોંચી, બસ જિતના ભી મેને તુમે વાદા કિયા, બસ સુન લો ઉતના, આગે અબ કુછ ભી નહીં, બસ અબ બસ સમય આ ગયા, તુમ એકમાત્ર ચૈતન્ય, બસ તુમ એસે દીવાને તો હો, મેં દીવાનગી એસી દેખના ચાહતા હું, ચૈતન્ય 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 એસી મસ્તી મેં ચાહતા હું ચૈતન્ય, બસ બોલ બોલ કરકે ખૂન નિકલા હૈ, ઇસ ખૂન કા મૂલ્ય તુમે ચુકાના હોગા, ઇસ ખૂન કા મૂલ્ય તુમ કેસે ચુકાઓગે, તુમ સ્વયં કો ખૂન મત માનના, બસ યે મૂલ્ય ચુકા દિયા, ક્યોંકિ શરીર ન માના તો ખૂન ન માના, માંસ ન માના, યે મૂલ્ય ચુકા દિયા, ફિર મેરા બોલના યહાં સફલ હુઆ, હે જ્ઞાન દીપક, બસ શરીર સે અબ તલાક લેને કા સમય આયા, આચાર્ય કુંદ કુંદ દેવ ગ્રંથાધિરાજ સમય રાજ, ગ્રંથાધિરાજ મે રાજ, યે રાજ હે પરમ કૃપાલુ દેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી, યે રાજ ગ્રંથાધિરાજ સમયસાર 19મી ગાથા
जब तक यह आत्मा ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्मों, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों एवं शरीरादि नौ कर्मों में अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है, यह मानता रहता है कि ये सभी मैं हूं और मुझ में ये सभी कर्म नौ कर्म है, तब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, अज्ञानी रहता है। जब तुम बैठो ध्यान से पूर्व तत्व विचार के लिए, 15 मिनट के लिए मैंने तुम्हें विचार करने को कहा, भले ही सुनने के लिए तुम बैठते हो, मगर तुम उस समय ये विचार करना, सुनते हो उसका तो विचार करना ही करना, मगर तत्व विचार में ये खास कि जैसे ही तुम पलाठी लगाकर बैठो, कुर्सी पर बैठो, कहीं पर भी बैठो, शरीर की स्थिति जो भी हो, वहां किसी विचार से कि यह देह की ही क्रिया हो रही है, इसमें मैं नहीं, वो मैं बैठा ऐसा मान करके तुम्हारी साधना शुरू होती है। मैं बैठा नहीं, पहले ये विचार ही यह शरीर की स्थिति है, माने अंतर में ही यह तत्व विचार, चैतन्य के जोर से ही यह तत्व विचार प्रारंभ हो, मैं भगवान आत्मा ऐसा, मैं बैठा ऐसा नहीं। और फिर तुम जैसे ही उठो ना, तो उठते ही ये मैं उठा ऐसा नहीं, ये शरीर की क्रिया हुई, ये शरीर के परमाणु जो अभी यहां थे अब आगे यात्रा करते हैं, मैं उठा वो विचार नहीं, मैं चैतन्य ये शरीर की क्रिया को जानता हूं, ऐसा भेद विज्ञान करते हुए अनुभूति ऐसे ही होती है, जब होगी तब सहज होगी, मगर इस प्रकार के तत्व विचार का रुकना न हो, वो धारा चलती रहे, ऐसी मैं बैठा, मैं चला, चला चला मैं सत्संग के लिए जा रहा हूं, साधना वहां करूंगा, ऐसा साधना वहां करूं, नहीं। जैसे ही तुम्हारा कदम आगे की ओर बढ़ता है, साधना हो रही है, यदि ये जागृति कि बस देह की क्रिया हो रही है, कदम आगे बढ़ रहे हैं, मगर मैं तो चैतन्य परमात्म तत्व, ऐसा हो और तुम अंदर में ऐसा, अंदर में ऐसा, जब तुम बोलो ना कि मैं चैतन्य परमात्म तत्व ऐसा, तो ऐसे तुम किसी के हम ताली बजते हुए देखो ना, ऐसा कोई ताली बजाता है, दूर से तुम देखते हो कि ताली बजी, ऐसे शरीर के परमाणु का ऐसा हाथ से हाथ का टकराना जैसे हुआ, ताली बजी जैसे तुम, और तुमको कोई कहे ना अरे तुम ताली क्यों बजाते हो, और उस समय तुमको भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो ताली बजा रहा है और तुम मुझे कह रहे हो कि ताली क्यों बजा रहे हो, ये मुझे ये दोष दे रहे हो, मैं तो ताली नहीं बजा रहा, वो ताली बजा रहा है, ऐसे तुम्हारी उंगली वाला वो ताली बजा रहा है, ऐसे ताली वो बजा रहा है, ऐसे ताली बजा रहा है, ऐसे ही ये जीभ तालू के साथ में बजती है, ऐसे ये होठ होठ के साथ में बजते हैं, और ज्ञानी को कोई कहे आप बोलते हो नहीं, वो कोई ताली बजाता है, मुझे क्यों बीच में लाते हो, ऐसे ही बोलने की क्रिया में जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य तत्व, उस चैतन्य तत्व में वास करता हुआ वो कहता है मुझे क्यों आरोप लगाते हो, ये तो परमाणु के टकराने की क्रिया, उसमें मैं कहीं नहीं, ये धर्म हुआ है। भगवान आत्मा आखो तब आखू शरीर देखाय रीते देखायू नाम दृष्टि निर्मलता है, दृष्टि की शुद्धता कीधी भगवान।
આ ચૈતન્ય પરમાત્મ તત્વ પણ નહીં દેખાય ને, તો પણ ક્યાંથી દેખાય, પણ એનો જ આનંદ છે ને. કૃપાલુ દેવ કી વો દશા, દુનિયા કો કૈસે દેખેગી એસી દશા. અંતર મેં યે વિચાર, ભેદ વિજ્ઞાન, એસા એસા તત્વ વિચાર ચલતા હૈ. જૈસે જૈસે અંતર મેં નિર્મલતા પ્રગટ હોતી જાતી હૈ ને, કી વો નિર્મલતા એસા સમ્યક દર્શન પ્રગટ હુઆ ને, સમ્યક દર્શન પ્રગટ હોતે હી બાલક હો ગયા, બાલક હો ગયા. અબ બડા નહીં, અબ વો બાલક હો ગયા. ઇસકે લિયે એસા એક ચાટા મારા ઓર થોડી દેર બાદ લે યે તેરે લિયે ખિલોના લેકે. અચ્છા ખિલોના, વો ચાટા મારા સબ પતા હૈ, પતા હી નહીં કબ મારા થા ચાટા, કુછ પતા હી નહીં. એસા વો બાલક જૈસા હોતા હૈ એસે હી વો ચૈતન્ય કા સ્વરૂપ એસા અનુભવ મેં આયા કી વો બાલક પ્રત્યેક ઘટના મેં એસી. ઇસલિયે શરીર કી જો યાત્રા હોતી હૈ, વો શરીર કી યાત્રા તો આગે કી ઓર હોતી હૈ, શરીર કી યાત્રા આગે કી ઓર હોતી હૈ. 37 સાલ સે 38 સાલ 38 સાલ સે 39 સાલ એસી શરીર કી યાત્રા આગે કી ઓર હોતી હૈ. દુનિયા કો દિખતા યે શરીર અબ બુઢાપે કી ઓર યાત્રા કરતા હૈ એસા, મગર અંતર કી જો દશા હૈ વો તો એસી હૈ, વો બચ્ચે કી જૈસી, ભૂતકાલ કે જૈસી વો યાત્રા હોને લગતી હૈ. જૈસે બચ્ચા થા ને એસે, ઇસકે લિયે મેં ઇસકા ઇસકા અર્થ એસા કરતા હું કે સમ્યક દર્શન હુઆ કે બચ્ચા હો ગયા, ખેલતા હૈ કૂદતા હૈ રાસ્તે પર, ખેલતા કૂદતા બચ્ચા દેખતે હો ને, એસે સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની નિર્મલ હુઆ. ઓર થોડા અંદર મેં નિર્મલતા પ્રગટ હોગી ને તો ઓર થોડા પીછે જાયેગા, પીછે જાયેગા અર્થાત કે ઓર જબ બચ્ચા થા, ઓર છોટા બચ્ચા થા તો ક્યા કરતા થા, કપડી નહીં પહેનતા થા, તો મુનિ હો જાયેગા. જૈસે આત્મા નિર્મલ હોગા તો ઓર થોડા, શરીર તો આગે કી ઓર જાતા હૈ મગર અંદર સે વો પીછે કી ઓર જાતા હૈ, કપડા હી નહીં પહેનતા મુનિ, ઓર મુનિ કપડા નહીં પહેનતા, એસા નહીં, આગે કી ઓર, ઓર થોડા ગયા, ઓર થોડા આગે કી ઓર, શરીર આગે કી ઓર જાતા હૈ મગર યે ઓર પીછે જાતા હૈ, પીછે જાતા હૈ અર્થાત કપડા નહીં પહેનતા થા, એસા નહીં, માં કે ગર્ભ મેં થા, એસે હી વો ગુફા કે ગર્ભ, ગર્ભ ગુફા મેં જાકે બેઠ કરકે ધ્યાન મેં લીન હો જાતા. ઓ પહેલે દિખતા હી નહીં થા યહાં તો, એસે ફિર મુનિ હુઆ, એસા નહીં મુનિ હોકર કે દિખતા ભી નહીં યહાં, અબ કહાં ગયા વો, વો તો ગુફા મેં બેઠ ગયા, મગર ગુફા મેં તો હૈ ને, પહેલે માં કે ગર્ભ મેં થા ને, ગર્ભ મેં આને સે પહેલે તો ગર્ભ મેં ભી નહીં, વો યહાં થા હી નહીં, એસે હી ગુફા મેં બેઠ કરકે એસા કેવલ જ્ઞાન પાયા કે મોક્ષ હુઆ, યહાં રહા હી નહીં, મોક્ષ ગયા. જૈસે માં કે ગર્ભ મેં થા હી નહીં તો ગુફા મેં ભી થા નહીં, એસા હો ગયા. એસે જૈસે જૈસે આત્મા કી નિર્મલતા બઢતી જાતી હૈ, અંતર કી એસી યાત્રા હોતી હૈ. ઇસલિયે ઇસલિયે જ્ઞાની કો કોઈ કહે ને કે દેખો હમ ઇનકો મૂર્ખ બના રહે, મૂર્ખ બના નહીં રહે, તું મૂર્ખ બન રહે હો, વો ઇનકો સબ પતા હૈ, સબ સમજતે હૈ સંસાર કા સ્વરૂપ ક્યા હૈ, કે દેખો મેને ઉનકો બનાયા જ્ઞાની કો, બિલકુલ ઉલ્લૂ બના દિયા, ઉલ્લૂ બના દિયા. અરે તુમ ક્યા બનાઓ, તુમ સ્વયં ભગવાન, ભગવાન તુમ સ્વયં ઉલ્લુ, યે તો મેરે સે બોલા હી નહીં જાતા, તુમ ભગવાન, યે નિકલતા હી નહીં મુંહ સે, તુમ સ્વયં ઉલ્લુ હો, એસા કૈસે બોલે, તુમ ભગવાન, તુમ સ્વયં ભગવાન, એસા 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 ચૈતન્ય તત્વ કી અનુભૂતિ હોતે હી એસી દશા પ્રગટ હોગી. તુમ સમજના, ઉસ દશા કો સમજના. હે જ્ઞાન દીપક, હે ચૈતન્ય પરમાત્મા, આચાર્ય કુંદકુંદ દેહ, દેહ હોને પર દેહાતી દશા, એસી દશા હમે સમજાતે હૈ. એસા અજ્ઞાની હૈ ને, અજ્ઞાની કો અજ્ઞાની કી ભાષા મેં સમજાતે હૈ,
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी हो पर्याय द्रव्य की ऐसी अभेद स्पर्शना करती है, विकल्प ही मिट गया ऐसा अभेद ऐसी स्पर्शना के विकल्प ही मिट गया है ऐसा यह स्वरूप है। अनुभूति का कार्य हुआ पर्याय में, मगर निर्विकल्प अनुभूति का जो कार्य पर्याय में हुआ, पर्याय द्रव्य के साथ ऐसी अभेद हुई कि पर्याय पर्याय के रूप में मिटने को तैयार हो गई, पर्याय पर्याय के रूप में मिटने को तैयार हो गई। इसका भाव बहुत सूक्ष्म है कि पर्याय स्वयं को पर्याय न मान करके ऐसा अनुभव करती है कि मैं ही द्रव्य हूं, है वो पर्याय है एक समय की, मगर एक समय की पर्याय स्वयं को एक समय की वो ऐसा नहीं मानती, पर्याय ऐसा मानती है कि मैं भगवान आत्मा, मगर भगवान आत्मा नित्य है, तो पर्याय एक समय की होने पर भी मैं पर्याय ये मानना छोड़ा और पर्याय ने यह स्वीकार किया कि मैं भगवान आत्मा, कि पर्याय में अनुभव नित्य की हुई, नित्य की अनुभूति हुई तो पर्याय नित्य हुई, इसलिए ऐसा कहा। क्या कहा? यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनुभव अनुभव तो पर्याय है, मगर अनुभव भी नित्य है। अनुभव तो एक समय की पर्याय अनित्य है, मगर अनुभव की पर्याय को नित्य कहा क्योंकि अनुभव की पर्याय एक समय की होने पर भी ऐसा अनुभव नहीं करती कि मैं पर्याय, अनुभव की पर्याय अनुभव करती मैं भगवान आत्मा, इसलिए अनुभूति को भी नित्य कहा, वो नित्य अनुभूति, नित्य अनुभूति। इसलिए 12 भावना है ना, 12 भावना में अनित्य भावना है। मेरा जो विचार है वो बिल्कुल अलग प्रकार का है 12 भावनाओं में भी। ये अनित्य भावना, अनित्य भावना में आज तक तुमने ये सुना कि सब अनित्य, संसार में सब आता है, रुपया तो आता है और जाता है, अनित्य है, कुछ भी टिकने को यहां नहीं। मैं अनित्य भावना को ऐसे नहीं कहता, मैं ये कहता हूं अनित्य ये अनुभूति की जो पर्याय जो अनित्य है, अनित्य होकर के भी द्रव्य में अभेद हुई कि नित्य हो गई, अनित्य का ये भाव है। अनित्य 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 होने पर भी जो पर्याय द्रव्य में लीन हुई तो अनुभव में ऐसा आया कि मैं नित्य, ऐसा अनुभव हुआ मैं नित्य। ऐसे हो अशरण भावना में पूरी दुनिया अशरण भावना पड़ती है ना, मेरा कुछ अलग है वो पढ़ती है, ऐसे जगत में कोई शरण नहीं, कोई शरण नहीं, अशरण। और मैं कहता हूं मैं चैतन्य तत्व, किसी के शरण की जरूरत ही नहीं, ऐसा अशरण। अशरण माने शरण की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा अशरण। आज तक ऐसा लगता पत्नी तो शरण देती नहीं, पुत्र तो शरण देता नहीं, कैसा ये अशरण 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 नहीं, ये चैतन्य तत्व इतना अनंत शक्तिशाली कि किसी के शरण में जाने की जरूरत ही न पड़े, ऐसा अशरण मैं स्वयं हूं, ऐसा अशरण ऐसा। और संसार जब मैं पढ़ता हूं ना तो संसार में मुझे वो पुत्र पत्नी परिवार ये संसार नहीं दिखता, ऐसा संसार संसार संसार, मुझे संसार में भी संसार नहीं दिखता, संसार में भी समय सार का शॉर्ट फॉर्म दिखता है, समय सार संसार संसार संसार, आगे भी संसार संसार समय सार। ये चैतन्य तत्व, ये भगवान आत्मा, एकत्व भावना है ना, एकत्व भावना में तुम ये पढ़ते, मैं
अकेला नरक में गया, अकेला स्वर्ग में गया। अरे वो एक भावना नहीं, अनंत गुणों की एकता वाला में भगवान आत्मा नीचा क्यों? अकेला अकेला नहीं, अनंत गुणों की एकता वाला, अनंत गुणों की एकता वाला में भगवान आत्मा ऐसा। अन्य तो भावना में तो आज तक यही लिया, अरे बस सब पर आया, सब पर आया। यहां तो अन्य तो भावना में मैं चैतन्य तत्व ऐसा विकल्प, बस ये विकल्प भी अन्य है। मैं चैतन्य तत्व निर्विकल्प अनुभूति के एक समय पहले का जो विकल्प, उस विकल्प को अन्य की श्रेणी में जो स्वीकार करता है वो पूर्णता को पाता है, वो अन्यत्व ऐसा हो। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है, तो कभी समय मिला तो मैं एक एक का खुलासा को, एक एक परीक्षा भी हो सकती है, मगर अब तुम जानोगे केवल ज्ञान में भगवान ये स्वरूप। मेरे अंदर में जो भाव है तुम केवल ज्ञान में जानोगे। जो मुझे कहना है अशुचि पावना, शरीर मलिन है, मलिन है, अशुचि में मलिन शरीर दिखता ही नहीं, ऐसा चैतन्य तत्व जो कभी शरीर में रहकर मलिन ही नहीं हुआ, वह भगवान आत्मा वह मैं। शरीर शरीर क्या, शरीर गंदा है, शरीर कीचड़ है, शरीर ऐसा वैसा नहीं, ऐसा आश्रव को देखते हैं तो आश्रव में आश्रव, आश्रव 57 प्रकार है, 57 प्रकार कहते हैं, मुझे स्मरण में आया। पर्युषण महापर्व का आज 5वां दिन है, 5वां दिन और 7 तारीख को आया ये 57 प्रकार का आश्रव, यह 57 आश्रव देते हैं। पर्युषण पर्व का 5वां दिन 7 तारीख को आया, ये 57 मुझे दिखते हो उसमें, मगर आश्रव का मतलब वो 57 प्रकार के आश्रव नहीं लेना, मुझे 57 नहीं, 7 तारीख को, 7 तारीख को 5वां दिन, 5वां दिन 7 तारीख को लोगे ना तो आश्रव 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 वो दिखाई देगा। 5वां दिन 7 तारीख को लोगे तो 57 प्रकार के आश्रव दिखाई देंगे, मगर 7 तारीख को 5वां दिन देखोगे ना तो 75% जिनके कषाय का अभाव हुआ ऐसे कुंद कुंद आचार्य देव दिखाई देंगे। पौने भाग का कषाय गया कि नहीं, 75% 75% गया ना, ऐसा ऐसा 75% कषाय गया ना, ऐसा ये स्वरूप है। मगर उनसे हमें क्या, हमें तो बस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा हो। सात तत्व की कि नौ तत्व की? सात तत्व की, नौ तत्व की, जो भी कहो बात वही है। सात तत्व की श्रद्धा, नौ तत्व की श्रद्धा, ऐसा। आज 7-9 का दिन है ना, इसलिए 7 तारीख 9वां महीना, माने 7 तत्व भी होते हैं, 9 तत्व भी होते हैं, पुण्य पाप जोड़ दो तो 9, उसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। मैं हर साल आज का जो दिन है ना वो 7 तत्व और 9 तत्व की श्रद्धा करने का दिन आया है ऐसा कहता हूँ, 7-9 के दिन, ऐसा कि 7 तत्व 9 तत्व की यथार्थ श्रद्धा करनी है। वो तो कैश पर क्या रे कैश, हमें तो बस हे ज्ञान दीपक आचार्य कुंदकुंद देव 75% कषाय का अभाव, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, और ये कहते हैं कि तुम अटके बस, माला नहीं की, जाप नहीं किया, पूजा भक्ति व्रत तप नहीं किया, इसके कारण नहीं। तुम्हें ऐसा झटका नहीं लगा जीवन में, ऐसा झटका कि बस एक व्यक्ति से तो झटका लगा, मगर एक व्यक्ति से झटका जैसे ही लगता है तुम दूसरे व्यक्ति की खोज करते हो जो तुम्हें कहे आजा इधर आजा, मगर सभी से, सारे जगत में जितने भी पर, ऊपर पर ही बस, अब कहीं पर नहीं, ऐसा कभी भाव ना आया। जहां भी पर देखा वहां चैन न पड़ा,
कि नहीं यहाँ नहीं, ऐसा विशिष्ट में अटकते हैं। इसलिए सर्दी से थकान लगी तो गर्मी चाहिए, गर्मी से थकान लगी तो सर्दी चाहिए, मगर सर्दी गर्मी सब पर से थकान लगी कि अब स्व की यात्रा होगी। ऐसी थकान, ऐसा बोध लेने की शक्ति तुम में है, तुम लेते नहीं, लो तुम ये बोध। एक घटना मुझे विस्मरण में है, तुमने भी ये कहानी सुनी होगी। एक व्यापारी टोपी बेचने का काम करता है, गर्मी के दिन थे, पेड़ के नीचे विश्राम के लिए ठहरा। पेड़ पर बंदर थे, सभी बंदर ने नीचे उतरकर एक एक टोपी ले ली और पहन ली और चढ़ गए पेड़ के ऊपर। एक टोपी व्यापारी के पास थी जो खुद ने ऐसी पहनी थी कि बंदर को लेना मुश्किल था, रह गई थी। व्यापारी ने वो टोपी नीचे उतार दी और फेंक दी। जैसे ही फेंक दी कि पेड़ से जितने भी बंदर थे वो जो टोपी लेके गए थे सबने फेंक दी। अनुकरण किया, व्यापारी सभी टोपी को बांधकर चला गया। व्यापारी ने अपने बेटे से ये कहानी कही कि ऐसा हुआ था, समझ से काम लेना। बरसों बीत गए, बेटा भी टोपी बेचने निकला, पेड़ के नीचे विश्राम करता था, टोपियां रखी, बंदर एक एक टोपी उठाकर ले गए, ये तो विश्राम कर रहा था। मगर पिताजी की शिक्षा याद थी, ये जो टोपी उसने पहनी थी वो नीचे फेंक दी। जैसे ही वो नीचे फेंक दी कि एक बंदर जिसे टोपी नहीं मिली थी वो भी लेकर के चला गया। ये सोचता है ये क्या हो गया। उन बंदरों ने कहा, तेरे बाप ने ही ये कहानी तुझसे कही थी। हमारे बाप ने भी वो कहानी हमसे कही थी कि बच्चों ऐसी गलती दोबारा मत करना जो हम कर चुके। वो कहानी मुझे बहुत प्रीतिकर लगती है, क्योंकि अनुभव से बंदर भी बोध लेते हैं मगर मनुष्य जैसा मनुष्य जीवन के इतने अनुभव वो बोध नहीं लेता है। तुम बोध लो, इतने थको तुम, अब अपेक्षा मत रखो, अब उम्मीद मत रखो कि एक बार और पत्नी के पास जाकर आता हूं थोड़ा सुख देगी, एक बार बच्चों से मुलाकात कर लूं सुख देंगे, इस धोखे में मत रहना। इसलिए मैंने तुमसे कहा अभी भी अवसर है, अभी भी अवसर है, फिर तस्वीर से कुछ भी ना होगा। हे ज्ञान दीपक, अब झूठे रिश्ते को छोड़ो, ये धोखेबाज अब छोड़ो उन्हें। अब तुम आ, तुम्हें पुकारा, तुम्हें बिठाया यहां मेरे सामने, बस एक ही बात कि जब तक वह दशा नहीं आती मेरे चैतन्य की पुकार से, ये चैतन्य 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 की मस्ती बस बनी रहे, दिन प्रतिदिन परिणति की शुद्धि में वृद्धि होती रहे बस, और न हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं तो जो हूं वही हूं, मैं चैतन्य तत्व। ऐसी द्रव्य की जागृति, ऐसी ध्रुव, एक समय भी तुम्हें ऐसा न लगेगा जैसे तुम चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध होते हो ना, कुछ नया नयापन न लगेगा ऐसा, क्योंकि वो दृष्टि का जोर ऐसा उस ध्रुव की, चैतन्य की वो जो ध्रुवता है ना, उस पर ही ऐसा जोर होगा, प्रतिबिंबित होंगे। जैसे अग्नि तज्ञों के प्रतिबिंब पड़ते हैं ना, ऐसे ही प्रतिबिंबित होंगे, प्रतिबिंबित होंगे। जैसे धन आया घर में, धन घर में से बाहर गया, ये प्रतिबिंब पड़ा, मगर अंतर में जो चैतन्य की मस्ती है वो धन प्रतिबिंबित हुआ, आता हुआ जाता हुआ वो धन प्रतिबिंबित हुआ, मगर अंतर में चैतन्य की मस्ती। ऐसे ही राग का भाव गया, वितरागता प्रकट हुई, राग का भाव गया प्रतिबिंबित हुआ कि गया, वितरागता प्रकट हुई प्रतिबिंबित हुई कि वितरागता प्रकट हुई, ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। ये राग के भाव की पर्याय का जाना, वितरागता के भाव का उत्पन्न होना, ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित होने से उसमें रुचि कैसे हो गई, उसमें झुक कैसे गए, झुक नहीं जाते, वरना लोका लोक केवली के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, केवली झुक थोड़ी गए, प्रतिबिंबित होता है। ये राग ये द्वेष ये वितरागता ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, मगर झुकता नहीं जो चैतन्य में। ऐसे भगवान आत्मा चैतन्य 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 ऐसा हो, चैतन्य तत्व की ऐसी स्पर्शना होती है, पर्याय को जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आत्मा की स्पर्शना होती है, ऐसा कहा पर्याय द्रव्य का स्पर्श करती है अभेद, ऐसी पर्याय ने द्रव्य का रस चैतन्य रस को चखा, मिठाई के ऊपर कागज का टुकड़ा निकाला नहीं, जीभ पर रखी मिठाई मगर मीठी तो लगी नहीं, वो कागज का टुकड़ा। ऐसे ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति क्यों नहीं होती, ये वो जो विकल्प है ना, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, भले कभी भी मिलेगा मगर चाहिए, ऐसा जो विकल्प अंतर में पड़ा है वो विकल्प कागज का काम करता है, और वो जो साक्षात अनुभव वर्तमान में हो सकता था उससे वंचित करता है वो विकल्प, इतना इतना विकल्प। ऐसा ऐसा भगवान आत्मा ऐसा चैतन्य रस को तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाने के लिए ऐसी चैतन्य की सुवास, चैतन्य के अतिरिक्त इस जगत में अब कोई सौंदर्यवान न रहा, अब चैतन्य की ही पुकार, चैतन्य की वीणा बजती है।
ये जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये पांच इंद्रियों से तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पांच इंद्रियों का ही अनुभव है, इसलिए मैंने कहा पर्याय द्रव्य का स्पर्श करती ये स्पर्शन इंद्रिय, चैतन्य का रस चखती है रसनेन्द्रिय, ऐसी सुवास वो घ्राणेन्द्रिय, सौंदर्य और कोई नहीं ये चक्षु इंद्रिय, चैतन्य की वीणा बजती ये कर्णेन्द्रिय। ये सो पांचों इंद्रियों से पुद्गल को जो भोगा था वो सब यहाँ अंतर में घटित होता है, मगर होता कुछ भी नहीं, कहने के लिए समझाने के लिए ये सब कहा, बाकी तो अभेद 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 अभेद। 12 बज गए, अभेद, छोटा काटा बड़ा काटा, घड़ियाल मा कांटा होय छे, फूल नहीं होता, कांटा होय छे, एटले तो लोको पूछे छे केटला वाग्या, कारण के कांटा ज वागे ने, कांटा वाग्या, घड़ियाल मा कांटा होय छे, समय बीत गया, बस एक ज्ञान दीपक सभी भावों को व्यक्त करने में यह वाणी सक्षम नहीं, कमजोर है, सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, मेरे हृदय के अंतःकरण से मेरे प्रणाम स्वीकार।